पूरी दुनिया में पीएम मोदी का जलवा देखने को मिल रहा है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है। फिर चाहे बात भारत के मित्र देशों की हो या फिर दुश्मन देशों की, सबकी नजर पीएम मोदी पर है। लोग नया भारत अपनी आंखों से बनता हुआ देख रहे हैं। दुनिया को शांति और तरक्की की राह दिखा रहे हिंदुस्तान की अगुवाई कर रहे प्रधानमंत्री मोदी देश का परचम पूरी दुनिया में लहरा रहे हैं। मैं ये सुन रहा था कि शायद उन्हें ग्लोबल पीस अवार्ड भी उसके लिए नॉमिनेट किया गया। उनकी खूबियों की तारीफ करने वालों में नोबेल प्राइज कमेटी के मेंबर का नाम भी शामिल हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी को शांति का नोबेल पुरस्कार मिलने वाला। डिप्यूटी लीडर ऑफ द नोबेल प्राइज कमेटी असले टोये सेड दैट इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज द बिगेस्ट कंटेंडर फॉर द नोबेल पीस प्राइज। नॉमिनेट हुए इंडियन प्राइम मिनिस्टर नोबेल प्राइज के लिए, क्या लग रहा है कि वैसे ही पूरी दुनिया के अंदर उनका इन्फ्लुएंस जो है वो डे बाय डे बढ़ता है? उनको क्राइसिस आई है तो उन्होंने खुद फेस किया, दुनिया से उन्होंने हाथ नहीं फैलाया है। ठीक है, ये भी तो एक कैरेक्टर तो देखे ना, एक नेशनल कैरेक्टर भी तो देखे। आपसे साइकिल नहीं चल रहा है, ये दुनिया चला रहे हैं, मेरी समझ से बाहर है चीमा साहब। अच्छा, कि अगर पाकिस्तान के 10 प्राइम मिनिस्टर्स 10 वजीर आजम को भी एक सफ में खड़ा कर दिया जाए, एक साथ खड़ा कर दिया जाए, तब भी वो मोदी के लेवल को बीट नहीं कर सकते, तब भी वो मोदी की क्वालिटीज तक नहीं पहुंच सकते। जिस तरीके से वो तरक्की कर रहे हैं उन तक नहीं पहुंच। नॉमिनेट हुए इंडियन प्राइम मिनिस्टर नोबेल प्राइज के लिए, क्या लग रहा है कि वैसे ही पूरी दुनिया के अंदर उनका इन्फ्लुएंस जो है वो डे बाय डे बढ़ता है? भी बड़ी है हमसे, दुनिया का नोबेल प्राइज उसको मिल जाएगा। उन्होंने अपना असर रसूख बढ़ाया पाकिस्तान में, आपस में सियासतदान आपस में लड़ते रहे, ब्यूरोक्रेट्स आपस में लड़ रहे हैं। इधर ये पहले फैसला तो कर लें कि इस मुल्क को चलाना किसने। जब पाकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो पहले 10 साल में इंडिया में 10 IT यूनिवर्सिटीज बन चुकी थी। ठीक है, किसी को नहीं पता, उनका हर बच्चा उस वक्त IT यूनिवर्सिटी से निकला था। हमारे 10 वजीर आजम चेंज हो चुके थे। कहा ये भी जाता है शुरू में इंग्लिश भी नहीं पढ़ाई जाती थी यहाँ पे, ये कह के गोरे की जुबान है। देखें वो अब स्टार्ट में ही यहाँ पे जो जागीरदारना निज़ाम वही रहा है। अब जैसा प्रिंस ऑफ कलात ने गिलगत ने पाकिस्तान के साथ लाख किया था, उसके बाद उसके साथ क्या हुआ था तारीख तो याद रखती। यहाँ पे हम भारत से ले रहे हैं, बहुत सी कंट्रीज से ले रहे हैं, वहाँ पे लोकल लेवल पे क्यों नहीं काम किया जा रहा? ये लोकल लेवल पे काम किया जा रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ, अफगानिस्तान में पोटैटो जा रहा है पाकिस्तान का, यहाँ का जो फार्मर है वो ज़्यादा पैसे कमाने के चक्करों में है, ना खुश है। हाँ जी, इतने बोरियाँ भर के पैसे भी लेके जाते हैं, फिर भी कहते हैं कि जी हम हुकूमत ख़राब है, खुद ख़राब है। हालात हाजरा में क्या लगता है भारत कितना आगे निकल गया? बहुत, 100 साल से भी आगे चला गया। 100 साल से भी आगे सर? बांग्लादेश उससे, बांग्लादेश भी हमसे आगे चला गया। आप जाए दुबई सऊदीया, चावल किसका इस्तेमाल हो रहा है? बांग्लादेश को हो रहा है, पाकिस्तानी क्यों नहीं हो रहा? हुकूमत ने इकदाम नहीं किया। आपने क्या बताया था स्टार्ट में, वेजिटेबल आप एक्सपोर्टर हैं बेसिकली? नहीं, मैं पाकिस्तान में कर रहा हूँ एक्सपोर्टर, अभी वो नहीं, उसके लिए इन्वेस्टमेंट बड़ी। थर्ड पार्टी काम करते हैं? नहीं, मैं अपना कर रहा हूँ। अपना मतलब आपका एग्रीकल्चर का काम है बेसिकली? जी हाँ, मैं बेसिकली फील्ड में जाके पोटैटो अनियन टोमेटो ये चीज़ें परचेज करता हूँ। फिर लास्ट आपसे बात करूँगा, क्या लगता है जो पाकिस्तानी सरजमीन पर जो ये चीज़ें बन रही हैं उनकी क्वालिटी में और जो इंडिया से माल आता है उसकी क्वालिटी में कितना फ़र्क है? बरसगीर का खिता तो एक है ना, लाइन उसने खींच दी बीच में, खिता तो एक है यार। हाँ, वो ज़मीन ये ज़मीन खींच दी, इस ज़मीन को किसी उसकी मेडिसिन की ज़रूरत भी नहीं है, ऑर्गेनिक चीज़ें सारी हो रही हैं। लेकिन लोग कर रहे हैं लाइन के दूसरी तरफ 200 रुपए किलो और दूसरी तरफ 100 रुपए किलो। देखें ये तो हमारी एस्टेब्लिशमेंट ब्यूरोक्रेट्स इन सबको सोचना चाहिए ना, ये अपना सोचते हैं। कोई लास्ट मैसेज देना चाहेंगे, हालात में कोई बेहतरी देख रहे? और हाँ, जो हमारा टॉपिक था उस पर एक लाइन आपकी सुनना चाहूँगा, नॉमिनेट हुए इंडियन प्राइम मिनिस्टर नोबेल प्राइज के लिए, क्या लग रहा है कि वैसे ही पूरी दुनिया के अंदर उनका इन्फ्लुएंस जो है वो डे बाय डे बढ़ता जा रहा है? मोनोपोली उनकी लॉबी बड़ी है हमसे, मिल जाएगा नोबेल प्राइज उसको, मिल जाएगा। उन्होंने अपना असर रसूख बढ़ाया पाकिस्तान में, आपस में सियासतदान आपस में लड़ते रहे, ब्यूरोक्रेट्स आपस में लड़ रहे हैं। इधर ये पहले फैसला तो कर लें कि इस मुल्क को चलाना किसने। इंडियन प्राइम मिनिस्टर की पॉलिसीज के हवाले से क्या कहना चाहेंगे, उनकी पॉलिटिक्स के हवाले से क्या कहना चाहेंगे जो इंटरनेशनल लेवल पे, और अभी तो मैं ये सुन रहा था कि शायद उन्हें ग्लोबल पीस अवार्ड भी उसके लिए नॉमिनेट किया गया है। सी देखिए क्या होता है, जब एक आदमी के ऊपर एक इम्प्रेशन होता है, जो मेरे हिसाब से पूरा दुनिया का जो मुसलमान का देश थे जब मोदी आया था, उन लोगों का परसेप्शन अलग था। ठीक है, वो सोच रहे थे ये तो हिंदू है, कट्टर हिंदू है, हिंदू होगा, ये तो जस्टिस नहीं देगा। बट बाहर से बैठ के बातें करना अलग बात है, जो मुल्क का बड़े बड़े लोग होते हैं उन लोगों को होता है क्या कर रहा है।
ठीक है, उन्हें तो इन्होंने पता होता है। इन्होंने देखा, मतलब ये सब लोगों ने देखा, ये तो मुल्क के लिए सबको लेकर जल रहा है, और जो जो नया रूल्स लेकर आ रहा है, जो सिस्टम्स लेकर आ रहा है, वो सबको एक साथ मदद कर रहा है। जैसे यूएई जो रूल्स लेकर आता है सबको एक ही है, ठीक है। ये तो सर आपके कंट्री के अंदर हो गया ना, इंटरनेशनल लेवल पे मैं भी ये पूछना चाह रहा हूँ, इंटरनेशनल लेवल पे आज जो इंडिया का और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का इमेज है उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे वो? उसमें देखिए फॉरेन पॉलिसी में दोस्ती दिखाया, ठीक है, स्टे अवे फ्रॉम मतलब प्रॉब्लम्स, नहीं नहीं प्रॉब्लम्स है ना, ये वॉर से दूर रहना चाहिए, ठीक है। जब वॉर में घुसते हो तो उसी में फंसते हो, करेक्ट है ना। तो इंडिया अभी से नहीं, बहुत सालों से आप देखेंगे कोई भी वॉर से दूर रहता है, इंटरनेशनल वॉर से, जो कोल्ड वॉर है, जो अभी यूएस चाइना में जा रहा है, यूक्रेन जो हो रहा है, सब में दूर रहता है, अपनी राय रखता है और दूर रहता है, पहला डेवलपमेंट के ऊपर वर्क करता है, पहला चीज। और दूसरा मोदी बहुत ट्रैवलिंग किया, अपनी कंट्री में जो सच्चाई हो जा रहा है उसको मार्केटिंग किया, ठीक है, और दिखाया, देखिए आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको रिटर्न्स मिलेगा, वो करके दिखाया जो उन्होंने आया। तो इन्होंने गुजरात मॉडल बहुत फेमस है, ठीक है, मतलब वो प्राइम मिनिस्टर बनने के पहले 3 दफा वो चीफ मिनिस्टर था, बिल्कुल गुजरात का। उस टाइम पे उन्होंने क्या किया, जो लोग आ रहे थे इंडिया में, वो जो सिस्टम था ना उसमें बिजनेस करना बहुत मुश्किल था, ठीक है, उन्होंने बोला मैं ईज कर दूंगा, इजी कर दूंगा, तो उन्होंने इजी करके गुजरात को डेवलप किया, उसी मॉडल को लेकर आके इंडिया को दिखाया। तो जब भी वो आता है, टाटा को भी उन्होंने किया था, वेस्ट बंगाल में जा रहा था टाटा, ठीक है, उधर मुश्किल हुआ, ये चीफ मिनिस्टर था गुजरात में, उन्होंने बोला हमारे जगह आ जाओ, आपको जगह दे देंगे, 3 दिन में, ठीक है, 3 दिन में पूरा जगह दे दिया और सेटअप कर दिया। सर मैंने यहाँ तक ये भी सुना है कि भाई गुजरात में टूरिज्म को बड़ा प्रमोट किया इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, जो उस टाइम चीफ मिनिस्टर थे, इवन अमिताभ बच्चन जैसी सेलिब्रिटीज वहां पे टूरिज्म को प्रमोट करती नजर आई, वो डेफिनेटली इन्हीं के इन्होंने स्पॉन्सर किया और ये सारी चीजें बोली कि भाई आप इसको एक पॉजिटिव इमेज दिखाओ, ठीक है। बट एक चीज है, कोई भी प्रोडक्ट है ना, ठीक है, आप इतना भी अच्छा मार्केटिंग करो, आमिर खान से मार्केटिंग करवाओ, शाहरुख खान से मार्केटिंग करवाओ, जो प्रोडक्ट अच्छा नहीं है ना तो वो नहीं चलेगा, नहीं बिकता। तो उन्होंने मार्केटिंग अच्छा किया, ठीक है, फिर जो प्रॉमिस किया था जो बिजनेसमैन को वो फुलफिल किया, इसी वजह से इन्वेस्टर मोदी है तो मैं आके इन्वेस्ट कर सकता हूँ, क्योंकि ईज ऑफ बिजनेस उन्होंने किया, ठीक हो गया। सर आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे, ये देखें मैं एक मिनट के लिए सोच सकती हूँ कि भाई ये इंडियन है, ये अपने प्राइम मिनिस्टर की तारीफ करेंगे ही करेंगे, एक मिनट के लिए हम सोचते हैं, नो डाउट पूरी दुनिया कर रही है। ये आप जो बात कर रही है ना बार बार डेवलपमेंट की, पैसे की, ठीक है, ये सारा इसी का ही मसला है। ये पैसा अगर हमारे पास भी हो ना तो हमें भी वार्ड मिलेंगे, हमें भी सारा कुछ मिल जाएगा, ये पैसे का ही रोला है सारा। अच्छा। तो अगर देखें आप उनकी इतना बड़ा मुल्क है, इतनी बड़ी उनकी इकोनॉमी है, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे उनके पास उतने सोर्सेज हैं, वहाँ पे उनको सारा कुछ मिल जाता है। सर चाइना की इकोनॉमी दूसरे नंबर की है, शी जिनपिंग को क्यों नहीं मिल रहा? अब देखे उनका एक अपना इशू है, देखे ना, तो कोई भी कंट्री क्राइसिस में होती है, फॉर एग्जांपल तुर्की क्राइसिस में था तो उसकी हेल्प की, श्रीलंका क्राइसिस में था उसकी हेल्प की, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, हिस्ट्री उठा के देख ले, जब से बनाया कभी क्राइसिस में नहीं आया है, उनको अगर कोई क्राइसिस आई है तो उन्होंने खुद फेस किया, दुनिया से उन्होंने हाथ नहीं फैलाया है, ठीक है, ये भी तो एक कैरेक्टर तो देखे ना, एक नेशनल कैरेक्टर भी तो देखे।